आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं जो है पहुंच चुका हूं परवीन मिश्रा जी के फार्म पे, जो कि अर्बन गार्डनिंग पे जो है काम करते हैं और अर्बन गार्डनिंग पे ट्रेनिंग देते हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या क्या वो अपने क्षेत्र में कर रहे हैं और क्यों जो है ये अनिवार्य रूप से हमारे लिए आवश्यक है। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकने की ये पूरी कवायद है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि आप अपने घर से निकलने वाले कचरे को कंपोस्ट में कैसे बदलेंगे, बायोएंजाइम में कैसे बदलेंगे और एक एनर्जी के फॉर्म में कैसे लेके आ पाएंगे, जिससे कि पौधों को चलने के लिहाज से उनकी पूरी संपूर्ण खुराक ज़्यादातर यहीं से मिल जाए। अब हम बात करते हैं कि पूरा शहर में एक घमासान मचा हुआ है, जहाँ पर आप देखें जिस तरफ देखें वहाँ पर कचरा ही कचरा नज़र आता है। तो क्या कारण है? कारण सिर्फ ये है कि हम व्यवस्थित होकर हर एक चीज़ को नहीं सोच पाते हैं। ज़िंदगी जीने की चाहत में, भाग दौड़ भरी लाइफ में हमारे पास जो प्राथमिकता है वो ये है कि जीवन यापन कैसे हो। इसके बाद हम सोचते हैं कि कम से कम सिस्टमेटिक हो जाएं। तो जब तक हम जीवन यापन की तलाश में रहते हैं, उसके बाद हमारे सेहत के बहुत सारे आयाम जुड़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि इन छोटे छोटे कारणों से एक ऐसा समय हमारे पास से निकल जाता है जहां पर हम फिर बीमार होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। शुरुआती दौर में तो ऐसा लगता है कि ये पर्यावरण और ये बाकी चीज़ें, ये एक डिफरेंट दुनिया के लोगों के लिए ज़रूरत है और हम उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए रफ्तार से आगे चलते हैं अपने पैसे कमाने की लालच में या ज़रूरत के लिए या जो भी हमारे पास सामने जो परेशानी है उसके लिए। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ ज़रूरी है कि हम बेहतर पर्यावरण के लिए प्रयास करें और यह प्रयास हमारा शुरू होता है सबसे पहले अपने घर से। जब घर से निकलने वाले कचरे को सड़क किनारे ना जाने दें तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। और बदलाव के लिए क्या है कि जब हम जैसे जैसे देखेंगे कि शहरीकरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, गांव अब शहर में तब्दील हो रहे हैं, तो आने वाले 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल और आने वाली पीढ़ी तक ये सारी घमासान मची हुई रहेगी। और आप सिंपल एक उदाहरण से समझिए, जहां आज आप कचरे का ढेर बहुत बड़ा पहाड़ में तब्दील हुआ देखते हैं, वो आज नहीं बन रहा है। इसका कारण क्या रहा? पिछले कुछ सालों से वहाँ पर लैंडफिल एरिया में कचरा लाकर फेंका गया और अब वो कचरे के टीले में बदल चुका है। वहाँ पर गर्मी में पॉल्यूशन, धुआं, धूल, गर्मी और आग और राख बर्न, ये सारा जलता हुआ नजर आता है। और यदि आप वहाँ से गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि हम ऐसे जगह में आ गए कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। और बारिश में क्या होता है? बारिश में यही है कि वहाँ पर जैसे ही बारिश की बूंदें पड़ी तो वो बदबूदार क्षेत्र में बदल जाता है और ये लगभग बारिश के बाद से सर्दी आने तक लगभग ऐसा ही आयाम, ऐसा ही माहौल वहाँ बना रहता है। अब आप देखिए कि यदि हर गांव के आगे में एक डंपिंग यार्ड बन जाए, क्योंकि तो सरकार के लिए कचरा बहुत बड़ा हडल है, अब वो फेंके कहाँ? यदि उनका शहर में अपने घर में निपटान ना हो तो एक डलाव घर बन जाएगा। तो हम डलाव घर तक ये सारी चीजें क्यों जाने दें? हमारा अपना ये मानना है कि डलाव घर तक सिर्फ हमें सूखे कचरे को जाने देना चाहिए, वो भी जो कचरा रिसाइकलेबल है। अब धीरे धीरे ऐसा सिस्टम बनता जाएगा कि आपका जो सूखा कचरा है वो एक समय ऐसा होगा कि एक सोना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अच्छी मोटाई के यदि आप प्लास्टिक की थैलियाँ हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी मोटाई के यदि आप फेंकते हैं या आप लेके आते हैं यूज़ करते हैं, उनका तो रिसाइकिल हो जाता है। पर सब्जी लाने के लिए, कुछ और चीज़ें लाने के लिए, ग्रोसरी लाने के लिए जो बहुत पतली, खास करके 50 माइक्रोन से नीचे की जो थैलियाँ होती है वो रिसाइकिल नहीं होती है और ये जाकर शहर के ड्रेनेज सिस्टम को चॉक कर देती है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे शहर में अचानक से बाढ़ आ जाता है क्योंकि वो सारी सिस्टम एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन ऐसे करते करते चौक हुआ पड़ा है। ज़्यादा बारिश हो गई, तीन चार दिन ज़्यादा हो गई, फ्लड आ गया, तो फिर सिस्टम तबाह हो गया। जी सर, सर ये जो परेशानियाँ बहुत हो रही हैं तो इसी के लिए आप कौन कौन से कदम उठा रहे हैं और क्या सामाजिक क्षेत्र में क्या किस तरह का काम कर रहे हैं? मेरा अपना मानना है कि शिक्षा से एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है और हम लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर बात करते हैं, जागरूकता पर बात करते हैं और साथ में एम्पावरमेंट की बात करते हैं।
यदि हम शहरी क्षेत्र को देखें तो शहरी क्षेत्र में यदि हम लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन चला के लोगों को इस बारे में ट्रेंड करते हैं कि घर से निकलने वाला कचरा को आप कंपोस्ट में तब्दील कर सकते हैं, बायोजैम बना सकते हैं और गार्डनिंग कर सकते हैं जी। अब दूसरा, यदि हम लोग ऐसे अवेयरनेस में भी आ जाते हैं तो जब हमने ये सिस्टम दिया कि आपको एक एजुकेशन मिल जाता है कि ये करना कैसे है और आपकी जानकारी में वो चीज़ें आ जाती है, आपके जीवन में वो शामिल हो जाती है, तो आप देखते हैं कि ये आसान है। लेकिन जब वही जानकारी आपके पास नहीं होती और आप कंपोस्टिंग बनाने जा रहे हैं, बायोजैम बनाने जा रहे हैं, तो आपके लिए चुनौती हो जाती है। तो हम यहाँ पर काम करते हैं कि अर्बन सेक्टर में सब्जियों को उगाना अपने घर में, अपने छत में, तो सब्जियों को उगाना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कनेक्ट करते हैं कि घर से निकलने वाले कचरे को कंपोस्ट में बदले और कंपोस्ट बनाकर, बायोजैम बनाकर अपने छत पर पौधे उगाएं और उन पौधों में अपने घर की चीज़ों से, तरकीब से आप बहुत अच्छे से पौधे उगाएं जी। क्योंकि ये भी एक पड़ाव आता है कि यदि आप बहुत सारा बागवानी कर रहे हैं जी, बागवानी से ऑक्सीजन लेयर भी आपने बढ़ा दिया, बहुत सारी चीज़ों को कर लिया, आप खुद सुकून पाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क आता है, घर के लोग पूछते हैं, आसपास के लोग पूछते हैं कि आपको आखिर इसमें मिलता क्या है। तो एक तो पड़ाव है कि हमने ऑक्सीजन लेयर बढ़ा दिया, अपने आप को स्वस्थ रखें, सब चीज़ ठीक है। दूसरा ये पक्ष होता है कि आर्थिक पक्ष है, तो आर्थिक पक्ष में हम ये देखते हैं कि आपके घर में, आपके किचन तक यदि कचरा का रिसाइकिल होता हुआ, यदि आपका किचन वेस्ट पहुंच जाता है कंपोस्टिंग में और कंपोस्ट पहुंच जाता है फिर एक सिस्टम के तहत प्रोड्यूस में, तो लोग करने लगते हैं, लोगों का रुझान इसमें जनरेट होने लगता है। शुरुआती दौर में कुछ चैलेंज है, लेकिन इन शुरुआती चैलेंज के बावजूद भी जब हम लोग एक काम को करते हैं तो उन चैलेंजेस से पार पाके सफलता की ओर चलते हैं। तो इन्हीं तरकीब को लेकर हम उपस्थित होते हैं कि अर्बन फार्मिंग एंड डोमेस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग टेरेस गार्डनिंग है, रूफटॉप गार्डनिंग है, इवन कि जगह बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम बालकनी में भी काम करते हैं, बालकनी में भी, और यहाँ भी जगह नहीं है तो आप बहुत आसान तरीके से माइक्रोग्रीन्स उगा सकते हैं और ये भी नैनो फॉर्मेट में आपके किचन को या आपके हेल्थ को सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार इन क्षेत्रों में जो है ट्रेनिंग देते हैं सर कि कैसे जो है सॉइल प्रिपरेशन करनी है और कैसे जो है हम जो है टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं, रूफ गार्डनिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको जो है सर से ट्रेनिंग लेनी हो तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये उनका फ़ोन नंबर है। सबसे पहले ये समझना है कि हम लोग बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और बात कर रहे हैं अर्बन सेक्टर में वेजिटेबल ग्रो करने का। अब तक का जो लोगों का अपना रुझान रहा है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं और वो चलते भी हैं, चलाते भी हैं, लेकिन ज़्यादा चैलेंज आता है जब हम वेजिटेबल्स पर जाते हैं, क्योंकि अर्बन सेक्टर में जब हम काम करते हैं तो ये कंक्रीट का जगह या हैबिटेट या नेचर, ये सारी चीज़ें उनको पूरा सपोर्ट नहीं कर पाती, और हम लोग जैसे स्टार्ट कर रहे हैं जानकारी की कमी है और जानकारी के बाद हम देखते हैं कि एक समय फेल हो, तो वो क्या कुछ ऐसा रीज़न है कि जहां हम फेल होते हैं, इसे समझना है। और यहीं से शुरू होता है सबसे पहला फार्मूला, तो 5S का फार्मूला है, वो नोट कर लीजिए। क्या है 5S का फार्मूला में? पहला है सन, दूसरा है सॉइल, तीसरा है सीजन, चौथा है सीड्स, पांचवा है सैपलिंग और छठा सक्सेस। मतलब पांच को एस को यदि ऐसे करके एक दूसरे से बनाएंगे कि वो सक्सेस पर आ जाएंगे आप, ठीक है। तो हमारी ट्रेनिंग यहीं से शुरू होती है क्योंकि ये 5S पर ज्यादातर लोग बात तो नहीं आप करते देंगे ट्रेनिंग। हाँ, बात करेंगे अभी आपको थोड़ा समझा देंगे के लिए। सारी चीजों बताए, वो तो अलग पार्ट हो जाएगा कंपोस्टिंग का, पहले हम 5S को समझते हैं, ठीक है। ज्यादातर गार्डनर्स या गार्डनिंग की ट्रेनिंग देने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो सीधा रेफर टू प्लांट पर चले जाते हैं, प्लांट पर ज्यादा से ज्यादा काम करो और वहां से हम सक्सेस ले लें, जबकि ऐसा नहीं है। कुदरत का अपना, नेचर का अपना सिस्टम है, वो सारी तरकीब है और उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेगा। अब आप समझिए एक सिंपल बात, ये बता रहा है कि आप कुछ भी डालेंगे इसकी कंपोस्टिंग होगी, लेकिन हम लोग चूंकि डोमेस्टिक वेस्ट का कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए आसानी ये होगी कि हम कुछ ऐसा चीज डालें कि जल्दी कंपोस्टिंग हो जाए। तो जब जल्दी हो जाएगी तो इसके लिए एक सिस्टम फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप कुछ ऐसी चीजें जो कि कंपोस्टिंग में हर्डल पैदा करता है उनको अवॉइड कीजिए शुरू में। तो वो क्या क्या है, जैसे हमने लिया ग्रीन पिलॉप, ग्रीन पिलॉप में प्याज लहसुन का छिलका शुरू में ना डालें, ठीक है ना। मोटा पार्टिकल्स कुछ भी, अनार है कोई आपका। अब
हमारा आइडिया क्या काम करता है कि हम यदि ये बोल के जाएं कि सारे पौधों को निकाल के रिचार्ज करने दीजिए, तो हमारी तकनीक ये काम करती है कि आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा पौधा चारों फार्मूला में से फिट कर रहा है। ठीक है, चारों फार्मूला में से जो फार्मूला फिट कर रहा है उस प्लांट को हमने करना है गुड़ाई। ये बीज आपने दो डाल दिए उसमें? हाँ, दो डाल दिए हैं। जो एक अच्छा चला वो रख लेंगे, जो दूसरा सुस्त होगा वो हटा देंगे। दोनों के चलने लगा अब अपने 100% मिक्स डाल दिया है ना, 70% के बाद हमने 5-5% और डाल दिया। 5-5% करते हुए 90% तक डाल देंगे। 90% डालने के बाद अब हमें लिक्विड फर्टिलाइजर डालना है, नॉट ओनली इसमें डालना है। ठीक है, अब यहाँ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था जो आपने बोला था, रिचार्ज बाद ये पानी बायो फर्टिलाइजर जैसा हम यूज कर सकते हैं अपने पौधे में, और यूज कर सकते हैं 1 लीटर पानी में, नॉर्मल पानी में 10 ml मिलाकर। अब यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, यस। मेरे वाले में से भी एक ले लीजिए, देखिए इसी को भेजेंगे आप। अच्छा, ठीक है, ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू। दूसरे क्वेश्चन पूछ रहे जो ग्रुप मेंबर, उनसे भी क्वेश्चन लिया आपने, 60 हो गए। 60 से ज्यादा हो गए नहीं, फिर धीरे धीरे सीख जाएंगे। नहीं तो मतलब इसके 15 दिन में फिर मिट्टी डाल दिया, 15 दिन में फिर मिट्टी डाल दिया, और इसके फिर 7 दिन के बाद फिर बायोएंजाइम डाल दिया, है ना। ड्रम हमारा है, इसमें हमने एक पहले तो ये जगह दिया है, ये बना बनाया आता रेडी में आता भी है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, अपने भी बना सकते हैं, और अभी आपके लिए एक लाए, अभी चाहिए होगा तो ले जाएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ ये सुराग जरूरी है, देखिए सुराग हमारे पास क्या रहा कि जिन लोगों ने भी हमें बोला कि वीडियो में बोला या कहीं भी बोला कि हम ऐसे बनाते हैं कंप्यूटर, तो हमने वैसा बना दिया अपने, और बना के उस पर काम शुरू कर दिया। उसमें जो फेल पास रहा, जो प्रॉब्लम रही, वो तो सारी चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़े, और जो सबसे हल्का और सिंपल सिस्टम था मैंने उसके अकॉर्डिंग ही बना दिया। अब इसमें क्या करना है, टूटी में से आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो निकाल देना, और कैसे पता चले वो अंदर में लिक्विड ज़्यादा बन जाएगा, लिक्विड ज़्यादा बनने से होगा।